बागरा स्ट्रीट। हाय गाइस, दिस इज योर शेफ आशीष एंड वेलकम टू अमूल भारत एक संस्कृति। और इस सफर में हम पहुंच गए हैं ग्वालियर के बहादुरा स्वीट्स। अब भाई, आप सब ने लड्डू तो ज़रूर खाए होंगे, लेकिन 90 साल पुराना लड्डू नहीं खाया। बिल्कुल 90 साल पुराना लड्डू, दुकान 90 साल पुरानी है, लड्डू ताज़ा है। तो मिलेंगे इस दुकान के मालिक, क्या नाम है सर आपका? अनिल शर्मा। अनिल शर्मा जी। सो हमारे साथ हैं अनिल शर्मा जी। तो अनिल शर्मा जी, ये लड्डू का जो आप काम कर रहे हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं? 90 साल हो गए सर। 90 साल तो यहाँ पे जो लड्डू है वो 90 साल पुराने हैं। जी सर। ताज़े लड्डू भी हैं सर, बन गए सर। ताज़े लड्डू भी हैं, 90 साल पुराने दुकान में हैं। लेकिन इसका मतलब आप इनके जो लड्डू हैं वो इतने फेमस और इतने बढ़िया हैं कि 90 साल से लोग यही स्वाद खाते आ रहे हैं, राइट? तो क्या खासियत है आपके लड्डू में? सिंपल है, बूंदी का है और देसी घी का आइटम है। देसी घी का लड्डू है? जी सर। भाई वाह, और क्या खासियत है? बस कुछ नहीं सर, मतलब जो सीक्रेट है इस लड्डू का वो अनिल जी ने आपके साथ शेयर कर लिया, देसी घी का लड्डू है। तो दिखा देते हैं कि लड्डू किस तरीके से बन रहा है। शेफ हमारे साथ हैं, शेफ 90 साल पुराने लड्डू की दुकान है, राइट? हाँ। तो ये बेसन का इस्तेमाल करा है, बूंदी के लड्डू बना रहे हैं। जी सर। ये देखिए, फाइन बेसन, बेसन का कुछ क्वालिटी होता है, राजस्थानी का बेसन। अच्छा, राजस्थानी ब्रांड। हाँ, नॉर्थ का। तो आप सिर्फ लड्डू ही बनाते हैं इसके अलावा? गुलाब जामुन। लड्डू भी और गुलाब जामुन भी? जी। अच्छा, तो पुराना क्या है, लड्डू या गुलाब जामुन? दोनों आइटम है। दोनों ही पुराने हैं। जलेबी कचौड़ी बंद कर दिए बनाना अपन ने। हाँ, जलेबी कचौड़ी बनती थी पहले, जलेबी कचौड़ी होती थी, गुलाब जामुन है लेकिन बंद कर दिया। क्यों? कोरोना के चक्कर में। लोगों ने कोरोना में तो समोसे कचौड़ी बहुत खाई है। अपने तो भी नहीं खुली 2 महीने। अच्छा अच्छा भाई, कोरोना में मैंने तो ये सुना था कि खूब खाया कचौड़ी है, खूब लोगों ने समोसे खाए, लेकिन भाई साहब की थ्योरी बिल्कुल अलग है कि लोगों ने को इन्होंने खूब लड्डू खिलाए, देसी घी के खिलाए, खूब गुलाब जामुन खिलाए, है ना? जी सर। और क्या खासियत है? बस कुछ नहीं सर। तो ये पहले एक और खासियत ऐसी, क्या आप उनका चूल्हा देखोगे? हाँ, वो चूल्हा प्रॉपर कोयले पे बन रहा है, गैस नहीं है। गैस नहीं है? हाँ, ये बहुत बढ़िया। कोल्ड हीट, वंडरफुल नेचुरल हीट जिससे ये, और बिकॉज यूनिफॉर्म कुकिंग होती है। हाँ, कोयले का एक ये बड़ी अच्छी खासियत है कि यूनिफॉर्म कुकिंग होगी इसमें। मैं आपको लड्डू खिलाता हूँ सर, बैठिए। बिल्कुल बिल्कुल, लड्डू खिलाइए। सो अभी हम खाने वाले हैं लड्डू, अभी हम खाने वाले हैं लड्डू, और आपको दिखाने वाले हैं, आपके मुंह में आएगा पानी और हमारे मुंह में आएगा लड्डू। बिल्कुल ताज़े लड्डू हैं ये तो। जी सर। इतने ताज़े लड्डू तो मैंने भी कभी नहीं खाए, इतने ताज़े लड्डू तो मैंने भी कभी नहीं खाए हैं कि हाथ में पकड़ते ही ज़बरदस्त। भाई वाह, ये जो जर्नी हमने करी वृंदावन से ग्वालियर तक और बहादुरा स्वीट्स तक, ज़बरदस्त है। जहाँ पे हमने खूब खाना चखा, लेकिन ऐसे लड्डू नहीं चखे। मथुरा के पेड़े थे या वृंदावन के पेड़े थे, वहाँ की टिक्की थी, लेकिन यहाँ के लड्डू जो है ना वो बिल्कुल अलग हैं। तो इस पूरे सीज़न में, इस पूरे सीरीज़ में हमने अलग अलग खाना खाया, अलग अलग स्वाद चखा, लेकिन हर खाने में अपना एक स्वाद है, अपना एक टेस्ट है, और वो इस स्वाद की वजह से ये दुकान आज 90 साल से यहाँ पर है। और मैं चाहूँगा कि ये 90 साल आने वाले 90 साल तक जाए, ताकि ग्वालियर इनके लड्डू के पीछे लट्टू है। मेरे तो मुंह में सिर्फ लड्डू है, और मैं खाते हुए ना बोलने का मन नहीं कर रहा, इतने टेस्टी लड्डू हैं। खैर, फिर भी बता दूँ, इन लड्डू के पीछे ग्वालियर लट्टू है, और अब मैं भी पूरी तरह से लट्टू हो गया हूँ भाई साहब आपके गोलगप अपने लड्डू बिंदू बूंदी के खा के। तो आप ही बनाते हैं ये लड्डू? क्या नाम है आपका? पप्पू बघेल। हैं जी? पप्पू बघेल। पप्पू बघेल, तो कितने टाइम से बना रहे हैं आप ये? 90 साल। आप 90 साल से बना रहे हैं? आपको कितना टाइम हो गया? मेरे को तो यहाँ हो गया 2 महीने। मतलब भाई साहब को देख के मेरे को लग रहा था अगर ये सही
अगर इनकी बात ये भी माने ना कि 90 साल से बना रहे हैं, तो वो राज क्या होगा मालूम है? राज होगा देसी घी। तो देसी घी के लड्डू बना रहे हैं, देसी घी का खाना खा रहे हैं, इसलिए 90 साल से बना रहे हैं। अब आप समझ जाइए कि 90 साल तक अगर आपको ऐसे ही यंग रहना है तो उसका तरीका एक ही है कि देसी घी खाना है। तो चलिए, ये एक और बड़ी नायाब मोती था ग्वालियर में जो मेरे को था कि मैं आपको ज़रूर दिखाऊं, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया। कोशिश है अभी और चीज़ें मेरे को दिखेंगी तो मैं वहाँ पे भी आपको लेके जाऊंगा। और कुछ बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? नहीं सर, कुछ भी नहीं। सो ये बेसिकली अमूल का एक शो है जो पूरी दुनिया देख रही है। जी जी। तो अब जो आप बताएंगे वो पूरी दुनिया को बताएंगे, बुलाएंगे यहाँ पर? जी सर, ज़रूर। तो मैं हमारे सभी व्यूअर्स को कहूँगा कि ग्वालियर एक हिडन जेम है इंडिया में, आपको एक बार ग्वालियर ज़रूर आना चाहिए, चाहे वो फिर बहादुरा के लड्डू खाने आए या ताज उषा किरण पैलेस देखने आए, और या फिर चाहे आगरा का फोर्ट हो या जो आर्यभट्ट ने जीरो ढूंढा था वो जगह हो, लेकिन आप यहाँ पर आए, आके देखें एक बार ग्वालियर को, जी के देखें। सो अगेन दिस इज़ योर शेफ आशीष साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। डू टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप कुकिंग, कीप स्माइलिंग। Bye-bye.